बहुत सारे लोग हमारे बहुत नजदीक होते हैं, उनके छोटे से काम को हम महत्व तो नहीं देते। बोले सोचिए कि आपका ड्राइवर आपकी गाड़ी चलाता है, उसके हाथ में आपकी जिंदगी होती है, आप कभी उसको थैंक्स करते हैं? जो पत्नी आपके लिए खाना पका रही है, वो आपको हर दिन जीवन देने के लिए भोजन तैयार करती है, आपने कभी उसका थैंक्स नहीं किया? आपके आसपास बहुत सारे लोग हैं जो आपके लिए जीवन जीने में बहुत सहयोगी हैं, आप कभी उनका थैंक्स नहीं करते। फिर उस जीवन देने वाले परमात्मा का तो धन्यवाद आप क्या करेंगे? प्रार्थना का मतलब धन्यवाद करना ही तो है। अगर आप धन्यवाद करना सीख गए तो आपको प्रार्थना भी आ गई, कृतज्ञता प्रकट करना ये जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा, हम सभी इस बात को अनुभव करें कि सर्वत्र ईश्वर है, ईश्वर ही है हम सभी में, सभी पर, सभी के जरिए और सब कुछ ईश्वर सबके अंदर बसा हुआ अपनी कृपाओं को सबको दे रहा है। जिस प्रकार से हमारे अंदर हमारी आत्मा है, जिसकी चैतन्यता पूरे शरीर में काम करती है, वही चेतनता हमारी आंखों से झांकती है, वही चेतनता हमारी आंखों के साथ साथ हमारे होठों से मुस्कान बनकर बाहर आती है, वही चैतन्य है जो हमारे हाथों के द्वारा कार्य करता हुआ अनुभव में आता है, वही चैतन्यता है जो हमारे कर्म बनकर संसार में याद बनते हैं, वो जो चित्र लिए जाते हैं चेहरे के, शरीर के, वो इस जड़ शरीर के चित्र हो सकते हैं लेकिन इसके अंदर बसने वाली आत्मा का कोई चित्र नहीं होता, लेकिन विचित्र कार्य करने वाली शक्ति वही तो है। ऐसे इस पूरे संसार के अंदर भी तरह तरह के फूल खिल रहे हैं, नदियां बह रही हैं, हवाएं चल रही हैं, ये चांद सितारे, नदी पहाड़, ये झरने, तरह तरह के जीव जंतु और प्रकृति में होते हुए परिवर्तन, इस प्रकृति में उगता सूर्य, अस्त होता हुआ सूर्य, ये सब कुछ जिसके द्वारा हो रहा है वो परम चैतन्य है, वह ईश्वर ही सर्वत्र है और वही हम सबका माता पिता बंधु सखा, सब रिश्ते हमारे उसी से हैं। उस ईश्वर को हम ये समझें, उसने इस संसार में कुछ सिद्धांत दिए, नियम दिए। जब कोई बुद्धिमान वैज्ञानिक उन नियमों को खोजते हैं तो उसको वो कहते हैं हमने कोई नई खोज की, नया आविष्कार कर लिया। वो जो डिस्कवर करते हैं, वो जो आवरण हटाकर कुछ देखने की चेष्टा करते हैं, वो कुछ नया उत्पन्न नहीं करते, प्रकृति में छिपे हुए सिद्धांतों को ही बताते हैं। इसलिए डॉक्टरों ने भी, मेडिकल साइंस में जितने भी खोजें हुई, अब वे लोग कहते हैं कि आश्चर्य होता है, भगवान ने कुछ चीज़ें हमारे शरीर में पहले से ही अतिरिक्त रखी हुई हैं कि अगर इस चीज़ की जरूरत पड़े तो तुम यहीं से इसका प्रयोग कर लें। पहले डॉक्टर लोग जब बाईपास सर्जरी करते थे तो टांगों के अंदर से लंबी नस काट करके बाईपास सर्जरी में यूज करते थे, आजकल वे लोग यहीं फेफड़ों के अंदर से ही नस को लेकर वहीं से वहीं काम करते हैं। आने वाले समय में उन्हें और रिसर्च करेंगे तो और उनको बहुत कुछ नया पता लगेगा। लेकिन आश्चर्यजनक बात तो ये है, जिस परमात्मा ने हमें जीवन दिया उसी ने हमारे लिए न जाने कितने कितने साधन अंदर ही अंदर रखे हैं। पूरा ध्यान रखा, जैसे किसी गाड़ी के साथ जो टायर लगे होते हैं उन्हीं के साथ एक स्टेपनी अलग से रखी भी होती है, कहीं बीच में गड़बड़ हो जाए स्टेपनी काम आ जाए। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं, वह परमेश्वर अपने सिद्धांत, अपने नियम, अपने कानून पूरी दुनिया में, अणु अणु और परमाणु में, सब जगह उन सिद्धांतों को संचालित करता है और बहुत अच्छे से अपने सभी बच्चों को बहुत प्यार करता है बिना कारण के भी।
हम कितने भी अच्छे हैं या बुरे हैं, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को सुधरा हुआ तो जरूर देखना चाहती है, लेकिन अपने बच्चे से कभी दूर नहीं होती। उसकी ममता, उसका प्यार अपने बच्चों के प्रति रहता ही है। ऐसे भगवान भी हमारी माँ भी है और पिता भी है। परमेश्वर के इस स्वरूप की भी पूजा करते हैं कि आधा रूप भगवान का पिता वाला है, आधा रूप माँ वाला भी है। और कमाल यह है कि हम सबका शरीर भी इन दोनों रूपों में ही ढला हुआ है। आधा कोमल शरीर है, आधा कठोर शरीर है। आधा दिमाग हमारा, मतलब हमारा लेफ्ट ब्रेन, वो पिता वाला है, और जो राइट वाला ब्रेन है वो माँ वाला है। इसलिए अजीब चीज है कि लेफ्ट ब्रेन शरीर के राइट पोर्शन को संचालित करता है, इसलिए राइट पोर्शन कठोर है। राइट वाला पोर्शन शरीर के लेफ्ट पोर्शन को संचालित करता है, राइट ब्रेन। इसलिए जब वो बाईं तरफ शरीर के भाग को संचालित करता है तो बायां हाथ कोमल रख दिया गया। मजे की बात तो ये, हृदय भी उधर ही लगा दिया गया, बाईं तरफ। और जब कोई माँ अपने बच्चे को गोद में लेती है, उसके गोद में लेने का तरीका भी यही है कि कंधे पर उसका सिर रखेगी, गोद में बच्चे को उठाएगी, दाईं तरफ उसके पांव आ जाएंगे, कंधे पर सिर आ जाएगा, लेकिन उसका पूरा फेफड़े वाला भाग माँ के हृदय से जुड़ा रहता है। हर माँ इसी तरह बच्चे को लेती है, आपने देखा होगा। बच्चे को इस तरह से लेती है, उसका और बच्चे का हृदय जुड़ा रहे। इसलिए माँ दूर बैठा भी हो बच्चा, कहीं अगर विदेश में भी है और वो चीख करके किसी दुर्घटना के कारण रोता हो और माँ चिल्लाता हो, इधर सोती सोती माँ जाग जाती है, उठकर पति से कहती है बच्चे को फोन करो, मुझे लगता है कोई गड़बड़ है, ये बिना तार का तार जो जुड़ा हुआ है, परमात्मा ने अद्भुत संबंध दिया है। भारत में ये परंपरा अद्भुत है, माँ और बच्चे का हृदय इस तरह से जुड़ा रहता है, और माँ अपने बच्चे को छाती से लगा करके ही रखती है, अपने पास ही सुलाती है। ये तो यूरोपियन स्टाइल अब शुरू हुआ है, यूरोप अमेरिका में। विचित्र बात है, बच्चे का कमरा ही अलग कर दिया गया। यहाँ तक होता है कि माँ बाप के साथ पलना रखा जाएगा, उसमें बच्चे को सुलाया गया, और थोड़ा सा कुछ महीने का, 6 महीने के बाद ही स्थिति ये कर दी जाती है, कुछ साल वाले बच्चे को, 2 साल वाले बच्चे को कर देते हैं, बराबर वाले कमरे में रखेंगे, वहाँ कैमरा लगा देंगे, वहाँ माइक लग जाएगा, इधर आपके पास स्पीकर लग जाएगा, उसका चेहरा दिखाई देगा लेकिन थोड़ी दूरी पर। बच्चे को जब लेकर कहीं जाना हो तो उसे गोद में लेकर कोई नहीं चलेगा, ट्रॉली में लेकर घसीटेंगे। इसलिए वो लोग भी विचित्र हैं, जब कोई मर जाता है माँ बाप तो वो भी ट्रॉली में रख करके घसीटते हैं, वो भी अपने कंधों पर लेके नहीं जाते कि चलो तुमने हमें घसीटा हम तुम्हें घसीटेंगे। विषय न बदल जाए, मैं आपको ये कहना चाहता हूं, भारत अद्भुत रहा, यहाँ के संबंध हृदय से जुड़े रहे, और इन संबंधों में माँ का हृदय अपने बच्चे से जुड़ा रहता है। बच्चा कितना भी गलत क्यों ना हो, माँ कभी अपने बच्चे को भूलती नहीं। हम कितने भी पतित हो जाएं, बुरे हो जाएं, तो भी वो जगदम्बा, जगजननी माँ परमेश्वरी, वो परम सत्ता, वो भगवती, वो महादेवी, वो कभी हमें अपने से दूर नहीं करती। मतलब वो माँ, या हम परमात्मा कहें, ईश्वर कहें, या उसे महादेवी कहें, वो हमसे कभी दूर नहीं होती। इसलिए हमारे जीवन में जो भी कोमल भाग है, जब हम दिमाग से तर्क वितर्क करते हैं तो पिता वाला रूप जाग जाता है, और जैसे ही हम लोग जो है इमोशनल हो जाते हैं, यहाँ माँ वाला हृदय जागृत हो जाता है।
कुछ लोगों के अंदर माँ की ममता वाला रूप ज्यादा रहता है, बहुत कोमल, बहुत संवेदनशील रहेंगे, वो कवि बन जाएंगे, चित्रकार बन जाएंगे, आर्टिस्ट बन जाएंगे, गीतकार बन जाएंगे, सारे कोमलता वाली चीजें जितनी भी हो सकती हैं उनके जीवन में देखने को मिलेगी। वो रंग से जुड़े हुए लोग, चित्रों से जुड़े हुए लोग, गीत संगीत से जुड़े हुए लोग, कविता साहित्य से जुड़े हुए लोग, जो भी बहुत इमोशन वाली चीजें करने वाले लोग हैं, उनके पास माँ वाला भाग ज़्यादा पहुँच गया है। और जिनके पास ज़्यादा कठोरता वाली चीज़ें हैं उनके पास पिता वाला भाग ज़्यादा पहुँच गया। हमारा दायां हाथ पिता वाला है, बायां हाथ माँ वाला है, लेकिन हमें दोनों की जरूरत पड़ती है। इसलिए भगवान को जब हम पूजा भी करते हैं तो दोनों ही हाथ जोड़ने पड़ते हैं, एक हाथ जोड़ने से काम नहीं चलता, क्योंकि हमारा जीवन बनता ही पूर्ण इसी से है कि माँ और पिता। इसलिए भवानी शंकरो वंदे, ये जो हम लोग कहते हैं शंकर भगवान और माँ पार्वती का वंदन करते हैं, जो श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप हैं, तो वहाँ हम दोनों हाथों को जोड़कर खड़े हुए हैं और दोनों ही स्वरूप सामने लेकर के पुकार रहे हैं। मेरा निवेदन ये है आप सभी से कि हम भगवान के जिस भी रूप को पूजते हैं, भगवान को या भगवती को, महादेव को या महादेवी को, महाकाल को या महाकाली को, परमेश्वर को या परमेश्वरी को, जिस रूप में भी जगत पिता को या जगदम्बा को आप पूजते हैं, कोई एक रूप लेकर के आप पूजना शुरू करें तो भी आप उसी सत्ता को पूजते हैं। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रख लेना कि दिन को जब देखोगे पिता वाला रूप दिखाई देता है, उसमें आप चैन से नहीं बैठ सकते, सारा दिन दौड़ना ही पड़ता है, सूरज उगा उठो जागो काम पर लग जाओ। जैसे ही शाम हुई तो यहां पिताजी गए, अब माता जी का काम शुरू हो गया। इसलिए रात आ गई दिन आ गया, पिताजी आ गए माँ आ गई, तो इसलिए कहा जाता है ये दोनों रूप, इसको कहते हैं द्वंद्व। दो तरह की शक्तियां संसार में काम कर रही हैं, एक तरफ धूप छाया, गर्मी सर्दी, हानि लाभ, उन्नति अवनति, ये दोनों युगल जो जीवन में चल रहे हैं, दोनों एक दूसरे से विपरीत हैं और दोनों की जरूरत पड़ती है। मीठा अच्छा लग रहा है नमकीन के कारण, नमकीन चीजें अच्छी लग रही हैं मीठे के कारण, इसलिए आप ये देख लीजिए, जैसे आप मिर्चें वाली चीज़ें खाओगे, मसाले वाली चीज़ें खाओगे, तो तुरंत उससे विपरीत चीज़ की जरूरत पड़ जाएगी, तभी आप या तो छाछ पिएंगे, दही खाएंगे या पानी पिएंगे। जो उससे विपरीत की विपरीत चीज़ है उसकी तुरंत जरूरत पड़ जाती है। ज़्यादा गर्मी लगने लग जाए पानी की तरफ जाएंगे, और जैसे ही पानी का प्रभाव ज़्यादा हो जाए मतलब सर्दी लग जाए तो आप गर्मी की तरफ जाएंगे। दोनों चीजें साथ साथ हैं, दोनों में से एक रह जाए काम नहीं चलेगा। एक बड़ी अजीब बात और देखने को मिलती है, हम लोग कहते हैं स्वर्ग कैसा, तो हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ स्वर्ग ऐसा है कि जहाँ दूध दही की नहरें हैं और जहाँ पर बहुत सुंदर झरने हैं, जहाँ बहुत अच्छी सुंदर हवा चल रही है, जहाँ पर ताप नहीं है। जो तिब्बत में रहने वाले लोग हैं उनसे जब पूछा गया, उनके ग्रंथ देखे गए, उनसे पूछा गया स्वर्ग कैसा है, बोले वहाँ बर्फ होता ही नहीं, वहाँ गर्मी होती है, धूप अच्छी निकलती है, क्योंकि उनका स्वर्ग धूप निकलने से है। हमारा स्वर्ग जो है वो थोड़ी ठंड होने से है, ज़्यादा गर्मी नहीं होनी चाहिए, मतलब अनुकूलता ही हमारे लिए स्वर्ग है। और ये ध्यान रख लेना, अनुकूल और प्रतिकूल, मैं जो कहूँगा आप उसे ध्यान से सुनना, अनुकूल और प्रतिकूल दोनों साथ में चलते रहें तो अच्छे लगते रहेंगे। अगर एक ही जैसे वातावरण में आपको रख दिया गया, थोड़े दिनों में आप उससे उब जाएंगे और कच्चे होते चले जाएंगे। इसलिए जो लोग जीवन में तरक्की करते हैं वही तरक्की करेंगे जो अपने सुविधा वाले वातावरण से बाहर निकलकर कठिनाई के बीच मेहनत करते हुए पसीना बहाते हुए आगे बढ़ा करते हैं, जिंदगी का सुख वही लिया करते हैं।
आप सभी भक्तों को मैं ये सूचना देना चाहता हूँ कि जो हर बार जिस प्रकार से हम लोग साधना का कार्यक्रम कराते हैं, और इस बार जो हम लोगों ने हिमालय की साधना के लिए आपको आमंत्रित करना था, तो कोरोना के कारण वो संभव नहीं हो पा रहा, लेकिन फिर भी ऑनलाइन आप लोगों को लाभ देने के लिए आनंद धाम से ही हर दिन आपको ध्यान से जोड़ने के लिए व्यवस्था की जा रही है। सबसे पहले पंच दिवसीय ब्रह्म शक्ति जागरण ध्यान, इसका शुभारंभ होगा। ये 5 दिनों के लिए कार्यक्रम रहेगा। इसका लाभ आपको इस रूप में होगा कि जो शक्ति पूरे ब्रह्मांड को चलाती है, लेकिन हम ही उस शक्ति को नहीं पहचानते और उसका लाभ नहीं ले पाते, तो इसी के लिए ये ध्यान है। 7 दिन के लिए सप्त दिवसीय चक्र साधना का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसमें आप अपने अंदर जो ऊर्जा के 7 चक्र माने जाते हैं, इन चक्रों का जागरण करते हुए अपनी शक्ति को ऊपर उठा करके कुंडलिनी शक्ति को जागृत करते हुए परम शक्ति के साथ उसका मिलान किया जा सके और अपने अंदर अनेक अनेक प्रतिभाओं को जागृत किया जा सके। इसी में एक चीज हम और भी करेंगे जिसको कहते हैं ब्रह्म कवच साधना। 1 दिन की ये साधना भी साथ साथ कराएंगे, जिससे आपके चारों ओर एक कवच बन सके भगवान का, आपका ओरा स्ट्रांग हो सके, तो वो सारा लाभ आपको इन 7 दिनों में मिलेगा। यदि आप चांद्रायण तप करने के लिए तत्पर हैं, तो फिर मेरा निवेदन ये है कि जो साधना के लिए विशेष रूप से हम लोग सबको बुलाते हैं, चांद्रायण साधना, यह 1 महीने की साधना होती है, लेकिन लघु चांद्रायण जो है इसे आप घर बैठे भी कर सकेंगे। और इस साधना में आप देखेंगे कि आत्मशोधन, स्वर्ग प्राप्ति और पाप विमोचन की जो क्रियाएं हैं, जिससे अंतकरण की शुद्धि हो सके, पंचभूत और पंच तन मात्राओं की शुद्धि हो सके, उसके लिए जो है ये चांद्रायण तप अनुष्ठान और यज्ञ इसमें शामिल होता है। लेकिन इसमें आप लोग जो है 7 दिनों तक इसका ध्यान कर सकेंगे। और अगर पूरा लाभ लेना है तो चांद्रायण तो आपका तब निभेगा जब आप एडवांस कोर्स ध्यान का, चक्र साधना वाला, और साथ में चांद्रायण तप का की साधना भी साथ साथ करें। इसमें साथ साथ में गायत्री साधना को भी जोड़ा जाएगा, तो इसलिए मैं निवेदन करता हूँ कि इस साधना के लिए तैयारी कर लीजिए। तो सभी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद।